नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग प्राइसेस पे नजर डालेंगे और उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या चीज ऐसी है जो नए बंदे यहां पर कर रहे हैं और पुराने भी करते हैं और उस पे कैसे आपने काम करना है कि आपको प्रॉफिट हो, आपको घाटा ना हो। तो वो जो जितनी भी चीजें हैं मैं अपनी एडवाइस दूंगा, बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूँ, पूरा देखना वीडियो को। पहले प्राइसेस के अपडेट देख लेते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन का देखो नजर डालो तो बिटकॉइन की कीमत चल रही है 13,89,000 के समथिंग अभी, जो कि अगर 4-5 दिन पहले की बात करें तो 14 लाख पार कर गया था। 14 लाख पार करने के बाद फिर 13 लाख के समथिंग आया, 13,45,000 के समथिंग आया और अभी ये इसी के आजू बाजू इर्द गिर्द चल रहा है प्राइस। इथेरियम की अगर हम बात करें इथर की, तो इथर का प्राइस चल रहा है 55,390 रुपया। ये प्राइस भी अपनी जगह पे अटका है 2-4 दिन पहले। अगर 4 दिन पहले की बात करें तो 65,000 रुपये था, कम होते होते 55,000 रुपये आया और कल परसों से यहीं पे स्टेबल हो गया है, मतलब यहाँ पर यहीं पे रुका पड़ा है। इसके बाद XRP की बात करते हो तो XRP का प्राइस गया था 81 रुपया, परसों की बात बता रहा हूँ, उसके बाद कम होते 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 गया, अभी 60 रुपये का दिख रहा है प्राइस। लाइट कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन का प्राइस है 23,981 रुपया और ये जो प्राइस है ये भी अपनी जगह पे रिमेन है। परसों भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। 5-6 दिन पहले से कंपेरिजन करें तो पहले ज़्यादा गया था 27-28 हज़ार के समथिंग और अभी थोड़ा कम हो गया है। बिटकॉइन कैश 1,45,000 रुपये के समथिंग है, अपनी जगह पे रुका पड़ा है। मियोटा की अगर हम बात करें तो मियोटा में थोड़ा इजाफा हुआ है, कल के हिसाब से 245 रुपये का था, आज 254 रुपये का हो गया है और अगर पहले के हिसाब से बात करें तो बहुत घाटा हुआ है। घाटे का मतलब 319 रुपये का समथिंग था कॉइन और अभी हो गया है 254 रुपया। अब बात करते हैं ओमेसी गो की, OMG की अगर हम बात करें तो OMG के प्राइसेस में क्या हुआ है कि इजाफा हुआ है। ये बहुत लंबे समय से कॉइन 500-600 में टिका पड़ा था, 500 के समथिंग, उसके बाद एकदम सडनली 600 का हुआ, 630 का हुआ और उसके बाद अभी देखो 915 का हुआ, तो इसमें बहुत इजाफा देखने को मिला है। तो ये तो हो गए प्राइसेस के बारे में। अब बात करते हैं कि जो बंदे चीज़ें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा अपने पेशेंस रखो। जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब भी कोई काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर तुमने किसी चीज़ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें घबराओ मत। जो टारगेट तुमने सेट किया है 20% 30% ग्रोथ का, उस ग्रोथ को आने दो। अब मैं क्यों आपसे ये बात बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लिया XRP का प्राइस 60 रुपये चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होती है कि आपने एकदम से बड़े दाम पे खरीद लिया, जब पूरा प्राइस ऊपर गया था तब परचेज किया, तब तो नीचे जाओगे ही जाओगे। लेकिन जब स्टेबल हो जा रहा है मार्केट, यानी कि 10 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। अगर ये 20 रुपये से शुरू हुआ तो 20 रुपये में अभी गया तो नहीं, अब ये देखो कितने लंबे समय तक नहीं गया है। अगर इसको 10 दिन हो जाते हैं, 6-7 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, तुमने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग क्या कर रहे हैं कि 60 रुपये से अगर मान लिया ये हो जाता है 58 रुपया, ठीक है, तो बंदे घबरा जा रहे हैं और बेच दे रहे हैं। भाई ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो एग्जांपल आपको कर दिखाता हूँ मैं, क्यों नहीं करना है। मैंने बाइनेंस पे जाके, बाइनेंस का बता रहा हूँ आप लोग को, नीचे लिंक मिल जाएगा, जिन लोगों ने बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करना है वो नीचे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सचेंज है। अब बाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो मैंने ओमेसे वो परचेज किया था, किस तारीख को परचेज किया था, 7 दिसंबर को, ठीक है, और इसका प्राइस दिया था मैंने इतना 0.019800, ये इथेरियम में दिया था मैंने, यानी कि एक ओमेसी गो था तुम्हारा इतने का 0.019800, ठीक है, तो इतने का था, मैंने इतने में परचेज किया। परचेज करने के बाद आप देखो यहाँ से बाई सेल का मेरा पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, जितने मेरे ट्रांजेक्शन हुए हैं, और इसके बाद मैंने 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का मैंने देखा, मैंने इसको लगा दिया था छोड़ने में कितने में, 25,000 के समथिंग मैंने इसको लगा दिया था कि जब ये प्राइस जो इतने में मैंने खरीदा है, जब ये 0.025000 हो जाएगा, यानी कि 20% की जब मुझे ग्रोथ मिलेगी, 25% की, तब मैं इसको बेच दूंगा। तो मैंने ऑटोमेटिकली बेचने पे लगाया। अब क्या हुआ कि 7 तारीख से टाइम लगा इसको 10 दिन पूरे यहां तक पहुंचने में। अब इस फेज के दौरान एक चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी, क्या मिलेगी देखो, कि जब भी मेरा प्राइस मैंने जो सेट किया था, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, मैंने बेचा नहीं। मुझे पता था कि ओमेसी गो जो है वो बहुत समय से रुका हुआ है एक जगह पे, बहुत समय से, और ये प्राइस जरूर ऊपर जाएगा। और आज देखो इसका प्राइस कितना चला गया है, 600 रुपये का था, 915 रुपये चला गया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा प्राइस ये ऑटोमेटिकली बिक गया, जब इतने में गया था ये, मैंने यहाँ पर बेचने में लगा दिया था और ये बिक गया। तो मैंने इंतजार किया, इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 7 तारीख के बाद ऐसा नहीं हुआ, मौके तो बहुत मिले थे बेचने के, बेचा नहीं, मैंने देखते रहा। 7 के बाद 12 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, 16 में ऑटोमेटिकली बिक गया। तो मेरा कहना यह है कि जब तुम अपने टारगेट सेट करते हो ना कि 25% का, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि
थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है ना। और सब्र वो लोग रखेंगे जिनने ट्रेडिंग करी है। जो बंदे नए हैं, एकदम से तुमने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करी और सब्र रख रहे हो, तो भैया पूरे नीचे में चले जाओगे। 1200 रुपये कॉइन खरीदोगे, 1 रुपया हो जाएगा। सब्र उन लोग को रखनी है जो लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग और अभी नए हैं, उन लोग के लिए मैंने बात बताई है। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखनी है टोटल कॉइन सप्लाई। बहुत सारे लोग को ये बात पता नहीं है, वो लोग ये कह रहे हैं कि रिपल का 60 रुपया हुआ, रिपल भी एक दिन 1 लाख रुपए का हो जाएगा। अरे भाई, 1 लाख रुपए का कैसे होगा, कैसे होगा वो समझो, समझो बात को। बिटकॉइन जो टोटल मार्केट में है, ये देख रहे हो टोटल कॉइन दिखा रहा है, ये है 1 करोड़ 1 करोड़ 67 लाख कॉइन है मार्केट पे, ठीक है। इंडिया की आबादी है 1 अरब, और जब मार्केट में कोई चीज केवल 1 करोड़ है तो सोचो ना, ऑटोमेटिकली उसका दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार भाई, बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका दाम, क्योंकि 1 करोड़ है, सप्लाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये प्राइस बढ़ेगा। टोटल कॉइन कितने हैं वो हमेशा देखना पड़ता है। तो 1 करोड़ 1 करोड़ 67 लाख कॉइन है, यानी कि मान लेते हैं 2 करोड़ कॉइन मान लेता हूं, ठीक है, ऐसे बताने के लिए 2 करोड़ कॉइन है अभी बिटकॉइन। तो उसके दाम बढ़ रहे हैं और वो लाजमी है, दिख रहा है हमें। इसके बाद बात करो बाइनेंस कॉइन की, तो बाइनेंस कॉइन कितने हैं मार्केट में, 9 करोड़। मार्केट में जितने जो ये हैं वो 10 करोड़ हैं, जो बाइनेंस कॉइन है। अब तुमने क्या चीज देखनी है, कई सारे कॉइन क्या है वो बहुत ज्यादा है, जैसे XRP। ये देखो XRP को, XRP है 38 अरब। अरब का मतलब जानते हो ना, करोड़ के बाद आता है अरब, तो 38 अरब कॉइन है आपके रिपल। अब बंदे ये सोच रहे हैं कि 38 अरब जो 1 लाख रुपया होगा, तो 38 अरब गुणा 1 लाख करके देखो और जितना निकल रहा है भाई, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी पूरी की पूरी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डामाडोल हो जाएगा मार्केट गजब का। ये ऐसा अगर होता है तो कभी नहीं हो सकता है ऐसा, 1 लाख कैसे चले जाएगा। तो बहुत लोग सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 59 रुपए का है, एक दिन 500 रुपए जाएगा, फिर एक दिन 1 करोड़ रुपए चले जाएगा, 1 लाख रुपए चले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। हाँ, ये मानते हैं कि जो वैलिड चीजें हैं वहां तक जा सकता है, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया तक, 200, 300 मेरे हिसाब से, 200 या 300 ज्यादा से ज्यादा जो मुझे लग रहा है। और हो सकता है कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया तो ज्यादा भी चले जाएगा, कोई क्योंकि कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं हमेशा इन चीजों को देखो कि 38 अरब जो कॉइन मार्केट में है उनके प्राइसेस में कितना जाएगा। जो लेजिटिमेट प्राइस दिखता है उनका 100 रुपया ज्यादा से ज्यादा, ऐसा दिखता है, समझ लो ना। तो इस चीज को देखना है। बाइनेंस कॉइन केवल 9 करोड़ है मार्केट में, ये 10 करोड़, तो ये इसके प्राइस जा सकते हैं, इसके प्राइस 5,000 हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, समझ लो 50,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस कॉइन है 9 10 करोड़ और इससे ज्यादा है इथीरियम मार्केट पे। इथीरियम 45 करोड़ के समथिंग होंगे या 70 करोड़ के समथिंग इथीरियम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 70 करोड़ वाले कॉइन निकल गए, 40-50 हज़ार में बिक रहे हैं, तो बाइनेंस कॉइन भी आराम से बिकेगा, क्योंकि इसके पीछे एक एक्सचेंज है। अब इसको परचेज करना है अगर, तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ और उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करो, वहां से तुम बाइनेंस कॉइन खरीद सकते हो। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, इन चीजों को देखना है तुमने। टोटल कॉइन सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से अपने दिमाग में अंदाजा लगाना है ना, इस तरीके से काम करना है तुम लोगों ने। उसके बाद चीजें देखनी है, जो मेरी एडवाइस है ना, हमेशा जब भी मैं कहता हूँ किसी से कि ये करो वो करो या फिर ये देखो वो देखो, तो मैंने हमेशा एक चीज कही है भाई, जिन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगी ये बात, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट अ लाइसेंस एडवाइजर। मेरे को कोई लाइसेंस नहीं मिला है एडवाइस देने का, मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक बंदा हूँ जो कि पिछले कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कॉइन पे नजर रख रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ इस तरीके से। और जितने ये यूट्यूब में बोल रहे, तुम क्या सोच रहे हो कि ये बंदे सारे डिग्री होल्डर हैं क्या, इनको कोई डिग्री मिली है इस चीज की, किसी को डिग्री नहीं मिली है। बच्चे बच्चे आगे किसी कॉइन के बारे में बता दे रहे हैं, बच्चे बच्चे, उनको खुद पता नहीं है कॉइन किसे कहते हैं, खुद की उनने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वो आके तुम्हें बताएंगे कि ये कॉइन है वो कॉइन है, दुनिया भर के कॉइन है, यहाँ पर कोई नहीं है भाई। सब लोग जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके बोलते हैं। तो ये मेरी क्या, किसी की भी, चाहे कोई कितना बड़ा बंदा बैठा हो ना यहाँ पर, को किसी की बात नहीं माननी है, और खासकर इस चीज में तो किसी की बात नहीं माननी है। अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि भाई ब्लॉकचेन ये होता है, ब्लॉकचेन में ऐसे काम होता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसको मान सकते हो कि ब्लॉकचेन ये होता है, ब्लॉकचेन वो होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ये कॉइन परचेज करो, वो कॉइन परचेज करो, तो अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूँ मैं वो बताता हूँ, मेरे साथ कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जितने भी लोग मेरे कमेंट आते हैं, हमेशा मेरे पॉजिटिव कमेंट आए हैं, हमेशा पॉजिटिव। कुछ लोग हैं जो बोल देते होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी को। अब इतने भी जितने लोग हैं, उनमें से एक बंदे ने कहा था कि वो कुछ बात बोल रहा था, तो मैं वो तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा उसने क्या बात बोली, तो मेरा अगला वीडियो देख लेना, मैं कुछ बनाऊंगा आपके लिए, तो उसमें कोई बात बोल रहा था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज जो तुम कर रहे हो, अपने अपने उससे करो ना, जाना तुमने है ही,
करना तुमने है ही, किसी को ये तो नहीं है कि जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ कि आ भाई आ यहाँ पर ट्रेडिंग कर, ये कर, मुझे क्या मिल जाएगा तुम्हारी ट्रेडिंग करा के, ना तुम मुझे 1 रुपया देने वाले हो, ठीक है, समझ लो ना बात को। मैं तुम्हें कल के दिन हो सकता है, मैं तुम्हें कल के दिन हो सकता है कि कोई कॉइन क्या पता किसी को दे दूँ, समझना बात को। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई कॉइन है ज़्यादा है और मुझे लगता है कभी मुझे देना चाहिए, तो मैं हो सकता है कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनको कॉइन भी दे सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको वो मत मान लेना कि मैं दूंगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, तुमसे मैं 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, तुमसे मेरा कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी रिसर्च करो मार्केट पे, अपने बारे में अपनी चीज़ें देखो, जितना बोला है उतने में नहीं, मेरी बात नहीं, हर किसी की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आग बंद करके फॉलो कर लिया, फिर गाली खाने वाले काम हो जाते हैं, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम गाली दोगे उसको, गाली दोगे। अब वो बंदा क्या है, आधे से ज़्यादा बंदे यहाँ किस लिए बैठे हैं जानते हो? आधे से ज़्यादा बंदे बैठे हैं यहाँ पर केवल और केवल अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर तुमको कोई एडवाइस दे भी रहा है और तुमसे वो कह रहा है कि यहाँ पर जाओ ये परचेज कर लो, तो उनके कमीशन होते हैं, यहाँ पर रेफरल होता है। रेफरल का मतलब जानते हो? अभी मैं रेफरल का मतलब क्या होता है, रेफरल एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब ये होता है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में बताते हो किसी को, तो पहले तुम उसके बारे में नॉलेज देते हो और उसके बाद उनसे कहते हो जाओ और खरीदो, ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो जब वो बंदा तुम्हारे से खरीदेगा तो उसको कुछ परसेंटेज का गेन मिलता है, मतलब कुछ परसेंट का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। अब वो एफिलिएट मार्केटिंग की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर को आधे से ज़्यादा लोग ये काम करते हैं, आधे से ज़्यादा क्या 70 to 80% ये काम करते होंगे एफिलिएट मार्केटिंग वाला, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, तुम लोगों ने क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो अपनी रिसर्च करनी है, जो चीज़ सही है उस पर जाके इन्वेस्टमेंट में करो, लोगों से अच्छी राय लो, चाहे बंदा कुछ कर रहा हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, उससे अच्छी राय लेनी है, समझना है उस चीज़ के बारे में, और तब जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल दो चीज़ों के बारे में बोला है स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक का, पहली वीडियो जाके देखो और अभी की वीडियो जाके देखो, दो दो चीज़ों के बारे में बताया, एक कोइनेक्स के बारे में बताया, एक बाइनेंस के बारे में बताया। जाके एक बार नेट पर सर्च तो कर लो एक बार इन एक्सचेंज के बारे में, इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक्सचेंज बताओ ना मुझे कोइनेक्स के जैसा, कोई एक्सचेंज नहीं मिलेगा। पहले जिन लोगों से कहा था करो, उन लोगों ने किया, तो उनका वेरीफाइड भी हो गया है, उन लोगों ने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, सब कुछ वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाद में जिन लोग आए उनको तो मौका ही नहीं मिला, अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये ऊपर देख रहे हो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई ट्रैफिक केवाईसी वेरिफिकेशन में टेक अप टू 7 वर्किंग डेज। केवाईसी वेरिफिकेशन जो एक दिन में होती थी वो आज 7 दिन लग रहे हैं। और उसके बाद लिखा है इन एडिशन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हैज बीन हॉल्टेड अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन, फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक ये लोग अपना नोटिफिकेशन नहीं देंगे अगला, तब तक का ये नए यूजर के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। अब तुम सोचो यार एक चीज को, जिस एक्सचेंज पे तुमको लाई नहीं पा रहा है जो एक्सचेंज अंदर, समझ रहे हो, किस लिए नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उनके पास इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो समझो कि जहां पर बताई जाती चीज, कहीं हमने सही चीज बताई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ प्राउडली कि मैंने सही चीज बताई लोगों को। जिनने कोइनएक्स पे अपना क्रिएट किया था वो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिनने नहीं किया तो बेचारे रह गए। इन्वेस्टमेंट तो उनने करनी है, अब जाके करोगे किसी फर्जी एक्सचेंज पे अपना लगाओगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्सचेंज का नामो निशान नहीं मिलेगा। मैं हूँ प्रोग्रामर, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको मेरा प्रोफेशन क्या है, डेवलपमेंट में काम करता हूँ मैं, ठीक है ना, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट एप्लीकेशन वाले काम करता हूँ और ये ट्रेडिंग करता हूँ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो एक्सचेंज है ना, एक डमी एक्सचेंज बनाना, डमी का मतलब मैं प्राइसेस को एपीआई के थ्रू गेट करके उनके प्राइसेस में इजाफा दिखा दूंगा फ्रंट एंड पे खाली, बाहर से, समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं एक वेबसाइट डेवलप कर लूंगा और मुझे कोई देर नहीं लगनी है, दो एक दिन लगेगा मेरे को केवल ये फ्रंट एंड बनाने में, और जितने भी एक्सचेंज दिख रहे हैं ना इनसे अच्छा फ्रंट एंड बना के दिखाऊंगा तुम्हें। फ्रंट एंड मैंने डेवलप किया, डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद मैंने एपीआई गेट करी किसी भी एक्सचेंज की, कोइनेक्स से एपीआई उठा ली मैंने, और कोइनेक्स के एपीआई के जो प्राइस चल रहे हैं वो मैंने अपने अपने एक्सचेंज पे दिखा दिए, ठीक है, बाहर से केवल लिखा कि मेरा एक्सचेंज का नाम लिखा, प्राइसेस दिखा दिए। प्राइसेस के बाद मैंने दिखा दिया कहीं से कॉपी पेस्ट मार के दूसरी वेबसाइट से कि हमारे ट्रेडिंग फी इतनी लगेगी, टर्म्स एंड कंडीशन निकाला, करा, सब कुछ बना दिया। अब बनाने के बाद मैंने कहा साइन अप करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो और एक्सचेंज करो, और इन एक्सचेंज से ज्यादा मैंने तुम्हें फायदे दिए वहां पर को, खाली इन एक्सचेंज से ज्यादा। अब मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बनानी कोई मुश्किल नहीं है, ये सब बना सकते हैं। ये बनाने के बाद क्या हुआ, मेन चीज़ क्या है जानते हो, मेन चीज़ ये होती है कि जब तुम किसी प्राइस को परचेज कर रहे हो, परचेज करने के बाद वो लिस्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, ये चीज़ बनानी थोड़ी डिफिकल्ट है, ये आराम से नहीं बनती है, ये आराम से नहीं बनती है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, अब बंदे क्या कर रहे हैं, कई सारे देख नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं, रिव्यू नहीं देख रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और सीधे जाके एक्सचेंज पर अपना अकाउंट क्रिएट कर ले रहे हैं, तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला। ये काम 7-8 दिन का है, बनाना बनूना ये करना, एक्सचेंज बनाना नहीं, एक्सचेंज में बनाने में तो 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, खाली आगे की जो प्रोसेस होती है ना
ये 2FA वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी वगैरह है, इसी को बनाने में 10-12 दिन लग जाएंगे तुम लोग को। लेकिन जो जो डमी वेबसाइट बन सकती है वो बन सकती है 5 दिन के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कई सारे लोग डमी वेबसाइट बना के भी तुम्हें लूट सकते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी वेबसाइट डमी नहीं है जो एक्सचेंज के नाम पे काम कर रही है थोड़ा बहुत, उन पे भी देखना है कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड यूजर हैं, कितने अनसेटिस्फाइड यूजर हैं। तो जाके किसी भी औने पौने फर्जी एक्सचेंज पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट मत करना, जिंदगी भर पछताओगे, मैं बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है पहली। अब दूसरी चीज़ सुनो, एक काम की बात और सुन लो। दूसरी चीज़ ये है कि जब जब मेरे से जब मैंने अपने बंदे यहाँ पर भेजे, उसके बाद जब ये लिखा हुआ आया ना यहाँ पर 7 वर्किंग डेज लगेंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लगेगा, मैंने भाई बोलना भी छोड़ दिया है, बोलना भी छोड़ दिया है कोइनएक्स पे जाके अपना अकाउंट बनाओ करके। मैं किससे क्यों कहूँ कोइनएक्स पे जाके, वो जाएगा बेचारा, उसका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, खाली मेरे को घाटा है यार उस चीज़ से। मेरा घाटा यह है कि बंदे कहेंगे ऐसे एक्सचेंज पे भेज रहा जहाँ अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरी वजह से अभी जाओ ट्राई कर सकते हो, जिसको बनाना है मैं कोइनेक्स के रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसी को ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हेल्प कर सकता हूँ। अब मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है बाइनेंस का, जिससे मैं बोल रहा हूँ बाइनेंस के बारे में बोल रहा हूँ, और जाके देख लो बाइनेंस एक्सचेंज कितना अच्छा एक्सचेंज है। और जो नहीं बोल रहे ना कि ऐसा है वैसा है, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना लूंगा। अब बाइनेंस पे क्रिएट करना है अपना अकाउंट, तो नीचे लिंक दिया है वहां पर क्लिक करके अपना बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना। कोई सुझाव सवाल हो तो कमेंट पे लिख देना, और उसके रिगार्डिंग जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है, जितनी हेल्प हो सकती है मैं सारी हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बोल दिया है, और इसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपडेट्स के लिए, नई अपडेट्स के लिए। तो ये था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए या गाजियाबाद रहिए। थैंक यू सो मच।